नमस्कार, मैं हूँ युक्ति और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसाला प्लेस में। आज मैं आपके लिए गर्मियों में खास बनने वाली एक स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाटरमेलन आइसक्रीम की। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन आइसक्रीम, तो आइए इसे बनाइए मेरे साथ और आप खाइए अपनों के साथ। वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाटरमेलन यानी कि हमें तरबूज चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने तरबूज के बीज को निकाल करके इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें वाटरमेलन का पल्प चाहिए होगा और वाटरमेलन तो वाटरी होता है यानी कि उसमें ढेर सारा पानी होता है। तो वाटरमेलन को हम थिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम वाटरमेलन का जूस बना लेंगे। आप वाटरमेलन का जूस बनाने के लिए मिक्सी या फिर हैंड ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए जूस बन करके रेडी है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमको। तो अब हम इस वाटरमेलन जूस को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। बेसिकली हमें इसका वाटर रिड्यूस करना है क्योंकि तरबूज में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और अगर हम इस जूस को ऐसे ही यूज़ करेंगे तो हमारी आइसक्रीम क्रीमी नहीं बनेगी क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण इसमें आइस क्रिस्टल्स ज़्यादा बन जाएंगे और जिससे कि हमारी आइसक्रीम हार्ड बनेगी। और अगर आपको सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम खानी है तो ये प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करिएगा। और जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये वाटरमेलन आइसक्रीम कब और कहाँ खाई है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। ये देखिए हमारा जूस भी थिक हो गया है, आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें क्लियर लाइन बन रही है, बस हमें इतना ही थिक करना है इसे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने बॉल और बीटर को पहले से ही फ्रिज में रख करके ठंडा कर लिया है जिससे कि हमारी क्रीम अच्छे से और जल्दी से बीट हो जाएगी। यहाँ मैंने 2 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे पहले 2 मिनट तक लो स्पीड पे, फिर मीडियम टू हाई स्पीड पे, जब तक हमें सॉफ्ट पीक ना मिल जाए तब तक हम इसे बीट करेंगे। आज मैंने नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है और आप चाहें तो इसे फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम से भी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेश क्रीम से आइसक्रीम कैसे बनाएं, आप मेरा मैंगो आइसक्रीम वाला वीडियो देख लीजिए और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा उस वीडियो में कि फ्रेश क्रीम को कैसे यूज़ करना है आइसक्रीम बनाने के लिए। अब हम इसमें थिक किया हुआ वाटरमेलन ऐड कर देंगे। मेक श्योर वाटरमेलन ठंडा होना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी गर्म होगा तो हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा सॉफ्ट पिंक कलर आ गया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं बट मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे रेड फूड कलर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने जेल फूड कलर का यूज़ किया है और क्रीम में हमेशा जेल या फिर ऑयल बेस्ड कलर का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये क्रीम में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है स्वीटनेस और रिचनेस के लिए और इसी के ही साथ मैंने यहाँ पे सोक्ड चिया सीड ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप रोज वाटर की ऐड करेंगे। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन, वाटर में वाटर। एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी वाटरमेलन आइसक्रीम का टेस्ट दुगना हो जाएगा। सो डू ट्राई दिस। अब इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है। ये एक प्लास्टिक कंटेनर है और ये एयरटाइट कंटेनर है और जब भी आप आइसक्रीम जमाएं तो आप एयरटाइट कंटेनर में ही जमाएं जिससे आपके आइसक्रीम में लेस आइस क्रिस्टल्स बनेंगे और आपकी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी एकदम मार्केट जैसी और यूं कहे तो मार्केट से भी बढ़िया। अब इस पर लिड लगाकर इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बन करके रेडी हुई है। आप चाहे तो इसे आइसक्रीम कप में सर्व कर सकते हैं या फिर इसे तरबूज की स्लाइस पे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और आप कैसे सर्व करते हैं ये तो आप पे ही डिपेंड करेगा। आफ्टर ऑल चॉइस इज योर्स। और अब आपके लिए खास टिप, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह पर इसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच शुगर पाउडर का भी यूज करके ये आइसक्रीम को बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी लिया है और इसमें मैं छोटे वाले कंटेनर को 10 से 20 सेकंड के लिए डिप कर लेती हूँ और देखिए फिर क्या होगा, और फिर मैजिक होगा। देखिए हमारी वाटरमेलन ब्रिक बन करके रेडी है, वो भी बिना किसी मोल्ड के। है ना एकदम आसान तरीका घर पर ब्रिक बनाने का। ये देखिए कितनी सॉफ्ट वाटरमेलन आइसक्रीम बन करके रेडी हुई है। है ना एकदम मार्केट स्टाइल, और टेस्ट में मार्केट से भी बढ़िया है ये। और आपको पता है ना मार्केट में वाटरमेलन आइसक्रीम इतनी आसानी से नहीं मिलती है।
अब आप क्या सोचने लग गए कि आप कैसे खाएंगे वाटरमेलन आइसक्रीम? भाई अब रेसिपी भी आपके पास है और गर्मी भी है, तो तरबूज तो आपको घर के आसपास ही मिल जाएंगे। तो आप भी इसे बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। और आपके लिए मैं कौन सी नई वेज रेसिपी बनाऊँ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।